अज दी वीडियो दे विच असी तुहानू दसांगे कि किवें एक धार्मिक स्थान उपर चलदे लंगर दे विच 40-50 सप आ गए। आखिरकार की है ये मामला, कित्थों दा है मामला, पूरी गलबात तुहानू जाणू करवावांगे। साध संगत जी, एक सच्ची घटना है, सच्ची घटना ते आधारित है, किसी एक व्यक्ति दे नाल नहीं, ये पूरे पिंड दे नाल वापरी हुई एक सच्ची घटना है जो तुहानू असी जाणू करवाउने हां। जदों एक धार्मिक समागम दे विच अजिहा चमत्कार हुंदा है कि 40-50 सप इकट्ठे बाहर निकल के चलदे लंगर दे विच आ जांदे ने, पूरी गलबात तुहानू दसांगे। तुसीं वीडियो दे अंत तक जरूर बने रहना है। जेकर तुसीं साडे चैनल दे उपर नवे हो तां सब तो पहला साडे चैनल नू सबसक्राइब करके बैल आइकन दबा दिओ ताकि आउण वाली वीडियो दी नोटिफिकेशन बड़ी आसानी दे नाल तुहाडे तक पहुँच जावे। सो ज़्यादा देर ना लेंदे हुए गल करदे हाँ अज दे इस विषय दे उपर। सो ये गल जो है ये पंजाब दे एक पिंड दी है, जिस पिंड दे विच एक बरोटी दा दरख्त है। ये बरोटी दा दरख्त कोई छोटा मोटा दरख्त नहीं, ये 2.5 किल्यां दे विच फैलिया होया है। जी हाँ, तुसी सही सुनिया, ये 2.5 किल्यां दे विच फैलिया होया बरोटी दा दरख्त है। तुसी कमेंट करके दसना कि ये अंधविश्वास है या हकीकत है या कोई चमत्कार है। वीडियो दे लास्ट तक बने रहना ते पूरी गलबात नू सुनना। साध संगत जी, इस दरख्त नू कदे भी कोई नहीं कटदा। ये दरख्त किन्ना भी वधदा जावे, कोई एक टाणी भी तोड़ के इस जगह तो बाहर नहीं जा सकता। इस करके ये दरख्त 2-2.5 किल्यां दे विच वध के रेलवे लाइन तक पहुँच गया। नाले हो सकता है आउण वाले कुछ सालां दे विच ये रेलवे लाइन नू भी ब्लॉक कर सकता है। सो आखिरकार की है सच्चाई इस गल दे विच, उह गलबात तुहानू दसदे हाँ। दस दईए कि ये मामला जो है ये फतेहगढ़ साहब के लागे पिंड चोलटी खेड़ा दा है। सारे पिंड की बहुत ज़्यादा मानता है इस दरख्त के बारे। इस बरोटी के दरख्त के उपर काफ़ी मेले भी लगते ने, लोग उत्थे सजदा सलाम करन भी आउंदे ने, पर कोई एक पत्ता भी तोड़ के उत्थों बाहर नहीं ले जा सकता। सो आखिरकार एहो जी केड़ी गलबात है जिहड़े लोग इन्ना डरदे ने उसका पत्ता भी तोड़न तो। सो बहुत चंगी गल है क्योंकि आपां नूं दरख्तां नूं नहीं कटना चाहिए। सो ऐसे बहाने लोग दरख्तां नूं ना कटणगे तां अपना इनवायरमेंट भी बहुत सही रह सकता है। सो इहदे पिछे एक बहुत वड्डी स्टोरी है। दस दईए कि ऐसे पिंड दे विच एक फकीर रहिंदा हुंदा सी। उस फकीर कोल एक औरत आउंदी है ते कहिंदी है कि साईं जी, मेरे बच्चा नहीं हुंदा, तुसी कोई कृपा करो, कोई दुआ बंदगी करो। तां उस फकीर ने की करिया, उस जगह उपर एक धूणा सी, उस धूणे दे विच्चों राख चक के उस बीबी नूं दे दित्ती अते कहा कि तू इस राख नूं छक लवी, तेरे घर पुत्तर पैदा हो जाएगा, पर एक कम करी, अगर तू नहीं छकना तां राख सानूं वापस दे जावी, इहनूं इधर उधर ना सुट देवी। उस बीबी ने राख नूं लैके घर आ गई, पर घर दे विच परिवारिक परिस्थितियां सही ना होण करके उसने राख नूं एक जगह दे उपर सुट दिता। जिस जगह दे उपर राख सुट्टी गई, उस जगह दे उपर ये बरोटी दा दरख्त जो उग पिया, अते एक बीज तो उग्या होया ये दरख्त हौली हौली एक वड्डा पेड़ दा रूप धारण कर लिया ते अज दी घड़ी साध संगत जी ये 2.5 किल्यां दे विच फैलिया होया है। केरा एक बार कुछ लोग इत्थों लकड़ां कट के लैके जाण लगे, जिवें ही बाहर पहुंचे तां उहनां नूं अक्खां तों दिखणा भी रह गया। एक बार इत्थों कोई चोर चोरी करके भी निकलण लग गया तां उस दे नाल भी अजिही घटना घटी कि उह मुड़ के ऐसे जगह उपर आ के नतमस्तक हो गया। दस दईए कि उस तो बाद पिंड वालियां दी बहुत ज़्यादा श्रद्धा उस बरोटी दे दरख्त दे उपर हो गई। उत्थे मेला भरन लग गया अते लोग वार त्यौहार उत्थे सजदा सलाम करन लई आउण लग पए। दस दईए कि जिथे बरोटी दा दरखत हुंदा है उस जगह दी रखवाली जो सप अते होर जहरीले जानवर करदे ने, उस बरोटी दे दरखत दे थले काफ़ी मात्रा दे विच सप अते होर जहरीले जानवर रहिंदे ने जो समय समय उपर बाहर निकलते रहिंदे ने अते वापस अपने टिकाणियां दे उपर पहुँचते रहिंदे ने। एक बार दी गल है कि एक बार उस जगह दे उपर लंगर चल रहा हुंदा है अते चलदे लंगर दे विच 40-50 सप बाहर निकल आउंदे ने। साध संगत जी, दस दईए कि उस जगह दे उपर सप जो है वह बाहर निकलते रहिंदे ने, पर किसे नूं भी कुछ नहीं कहिंदे।
ओदे पिछे ए भी कारण है कि जो बरोटी दा दरखत है वह 2-2.5 किल्यां दे विच फैलिया होया है, जिस दे कारण सप अते होर जहरीले जानवरां ने उत्थे अपना रैन बसेरा बना रखिया है। साध संगत जी, दस दईए कि उस बरोटी दे दरख्त नूं लै के पिंड वालियां दी बहुत ज़्यादा शरदा है। सो इस तो एक सीखण नूं भी बहुत कुछ मिलता है कि इदां दा माहौल जेकर हर पिंड दे विच बन जावे, पंजाब दे हर एक पिंड दे विच, होर भी स्टेटां दे हर एक पिंड दे विच इदां दा माहौल बन जावे तां पूरा इनवायरमेंट अपना किन्ना वधिया हो सकदा है। चाहे डर ही सही, जेकर कोई दरखत कटना तां दूर दी गल, जे कोई पत्ता भी तोड़ना पाप समझे तां किन्ने दरखत अपने पंजाब दे विच बच सकदे है ते पंजाब दी आबो हयात किन्नी बहुत शानदार बन सकती है। आपां नूं गुरु साहब ने कहा, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, अते ओ हवा अपना गुरु है अते पाणी पिता है। जेकर दोनों ही शुद्ध हो जाण ते पूरा वातावरण किन्ना वधिया बन सकता है। सो इस कहानी तो यह सीखने को मिलता है कि दरखत आपां नूं नहीं कटना चाहिए। चाहे धार्मिक मर्यादा तहत लोग डर के नहीं कटते, पर एक सेध भी लेनी चाहिए है कि आपां भी दरखतां नूं ना कटिए, क्योंकि आने वाले समय के ऑक्सीजन मुल लैनी पैनी है। जेकर इदां दरखत बचे रहणगे तां इदां दे प्रकोपियां तो आपां बचे रहांगे। साध संगत जी, तुसीं भी कमेंटा दे विच अपनी राय जरूर देना कि यह अंधविश्वास है या यह गल सही है या इदां होना चाहिदा है। धन्यवाद।